क्या हुआ दुर्गा, आज तेरी आवाज कुछ दबी दबी सी लग रही है। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है, बस आज थोड़ा घर में काम ज्यादा था ना, इसीलिए थक गई हूँ। वैसे इस बार के रक्षाबंधन पर क्या सोचा है? शादी के बाद ये तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है। मैं और माँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। माँ तो कह रही थी कि वो तुम्हें एक हफ्ते पहले ही बुला लेगी। तुम्हारी सास को तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं भैया, बस मैं उन्हें आज ही कह देती हूँ। दुर्गा कॉल कट कर रक्षाबंधन पर अपने मायके जाने के लिए अपनी सास कलावती से पूछने के लिए उसके कमरे में जाती है। अच्छा, तू खुद ही आ गई, मैं तुझे बुलाने के लिए ही आ रही थी। एक काम कर, घर की साफ सफाई अच्छे से कर दे, कोने में से जाले भी निकाल दे और सोफे के कवर भी बदल दियो। कोई आने वाला है क्या माँ जी? मेरी बेटी आ रही है अपने ससुराल से, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है ना, इसीलिए सारी सफाई करने के बाद उसका मनपसंद खाना भी तैयार कर दियो। दुर्गा जल्दी से पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करके अपनी नंद का मनपसंद का खाना बनाने लगती है। इन कामों के बीच में तो मैं माँ जी से अपनी मायके जाने वाली बातें कहना भूल गई। एक काम करती हूँ, रात को खाने के समय माँ जी से पूछ लूंगी। थोड़ी देर में दुर्गा की नंद रागिनी ढेर सारे सामान के साथ अपने मायके आती है। आ गई मेरी बिटिया रानी, पता है मैं सुबह से तेरा कितना इंतजार कर रही थी, अब आई है तो एक दो महीने रुक कर ही जाना। हाँ माँ, क्यों नहीं, भाभी कार में भी मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, उसे मेरे कमरे में ले जाकर रख दो। रागिनी, तुम तो कुछ दिनों के लिए आई हो ना, फिर भी इतने सारे बैग्स लेकर आई हो। भाभी, अब कहना क्या चाहती हो, कि मैं बस दो साड़ियों के साथ अपने मायके आऊं और 2 दिन रहकर चली जाऊं? नहीं रागिनी, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा मतलब हमें अच्छे से पता है, अब ज्यादा बातें मत घुमा, जा जाकर मेरी बेटी के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर ला। अपनी सास की डांट सुन बेचारी दुर्गा अपनी नंद के लिए शरबत और नाश्ता लेकर आती है। माँ, मायके आकर कितना रिलैक्स फील होता है ना, लेकिन कुछ दिनों से मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। रागिनी बेटा, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दुर्गा बहू, जा सरसों का तेल गरम करके ले आ और फिर मेरी बेटी के पैरों की अच्छे से मालिश कर दियो। माँ जी, मैं? और नहीं तो क्या, भाभी तो अपनी ननंद के लिए इतना करती है, तू क्या अपनी ननंद के पैरों की मालिश नहीं कर सकती? कमलावती अपनी बेटी के सामने अपनी बहू की जरा सी भी इज्जत नहीं करती, और रिश्ते में बड़े होने के बावजूद भी कमलावती अपनी बहू दुर्गा से अपनी बेटी के पैरों की मालिश करवाती है। बस भाभी, अभी के लिए इतना काफी है, बाकी का रात को कर लेना, मेरा छोले भटूरे और पनीर टिक्का खाने का काफी मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, मैं अभी अपनी बेटी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे और पनीर टिक्का बनवाती हूँ। जा दुर्गा, जल्दी से छोले भटूरे और पनीर टिक्का बनाने की तैयारी कर। लेकिन माँ जी, आपके कहने पर मैंने पहले ही सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया था। सुबह से घर में इतने सारे काम और इतना सारा खाना बनाने की वजह से मैं काफी थक चुकी हूँ। रागिनी, क्या मैं तुम्हारे लिए कल छोले भटूरे और पनीर टिक्का बना दूँ? जब मेरी बेटी का ये सब खाने का मन आज कर रहा है तो तू कल क्यों बनाएगी? और कौन सा मैं तुझसे बोरे उठवाकर मजदूरी करवाती हूँ जो तू इतनी जल्दी थक गई? जब से दुर्गा की नंद रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर आई थी, तब से दुर्गा की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आए दिन दुर्गा को अपनी नंद के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बनाना पड़ता, साथ ही उसके सारे काम भी अब दुर्गा को ही करने पड़ते हैं। भाभी, ये मेरी साड़ी है, इसे प्रेस कर देना, और हाँ, मेरा रूम भी थोड़ा गंदा हो गया है तो उसे भी साफ कर देना। रागिनी, तुम तो देख ही रही हो कि मैं रक्षाबंधन की मिठाई बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ऐसे में तुम्हारा काम मैं कैसे करूँगी? भाभी, मैं अपने ससुराल में एक पैर पर खड़े होकर 10 काम करती थी, और आपसे 2 काम नहीं करे जा रहे हैं? मेरी माँ की तो किस्मत फूट गई कि उन्हें आप जैसी महू मिली है। अपनी माँ को देख देख कर अब रागिनी भी अपनी भाभी को ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रक्षाबंधन में सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं, जिसके चलते कमलावती अपनी बहू और बेटी के लिए रक्षाबंधन का सामान लेकर आती है। रागिनी बेटा, ये देख, रक्षाबंधन पर पहनने के लिए मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ, इसमें मेरी बिटिया बिल्कुल परी लगेगी। और ये देख, साथ में इसके मैचिंग की चूड़ी और गले का सेट भी लेकर आई हूँ। और ये ले, तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स के डब्बे, काफी कमजोर हो गई है, इन्हें खाया कर। और ये ले बहू, ये तेरी रक्षाबंधन की साड़ी और हाथों की चूड़ियां हैं। माँ जी, शादी के बाद ही मेरा पहला रक्षाबंधन है और आप मेरे लिए इतनी सस्ती सी साड़ी लेकर आई हैं? तो तू क्या चाहती है कि सारे पैसे मैं तुझ पर उड़ा दूँ? शादी के बाद ही मेरी बेटी का भी तो पहला रक्षाबंधन है। माँ भी, बहुएं तो घर के खर्चों को बचाती हैं, और आप हो कि माँ के बार बार खर्चा करवा रही हो, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। अपनी सास और नंद की बातें सुन बेचारी दुर्गा काफी उदास हो जाती है कि तभी उसे अपनी मायके जाने वाली बात याद आती है।
माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, वो कुछ दिन पहले मायके से मेरे भैया का कॉल आया था। वो चाहते हैं कि रक्षाबंधन पर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। क्या कहा तूने? तू रक्षाबंधन पर मायके जाना चाहती है? अगर तू मायके चली जाएगी तो यहाँ घर पर रक्षाबंधन की तैयारी कौन करेगा? लेकिन माँ जी, शादी के बाद ही मेरा पहला रक्षाबंधन है और मैंने तो काफी सारी तैयारियां भी कर दी हैं। जो भी हो, लेकिन तू रक्षाबंधन पर नहीं जाएगी। माँ जी, रागिनी भी तो रक्षाबंधन पर अपने मायके आई है ना? भाभी, आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, समझिए आप। और माँ से कितनी बहस कर रही हो, क्या आपकी माँ ने आपको यही तमीज सिखाई है? मैंने तो आज तक अपनी सास से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। दुर्गा अपने सास से काफी विनती करती है, लेकिन वो उसे उसके मायके जाने से साफ साफ इनकार कर देती है, जिसके चलते बेचारी दुर्गा अब काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। क्या हुआ, आज काफी उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? अपने पति नीरज के पूछने पर दुर्गा उसे सारी बात बताती है। ये तो माँ ने बिल्कुल गलत किया, तुम यहीं रुको, मैं इस बारे में माँ से बात करता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि मैं आपसे उनकी चुगलियां करती हूँ। मैं भैया को यहीं बुला लूंगी। अगले दिन दुर्गा अपने भाई गौरव को कॉल करती है और रक्षाबंधन पर उसे ससुराल आने के लिए कहती है। नहीं दुर्गा, मैं तुम्हारी ससुराल नहीं आ पाऊंगा। जिस दिन रक्षाबंधन है उसी रात मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो फ्लाइट के लिए लेट हो जाऊंगा। तुम क्यों नहीं आ जाती यहाँ पे? भैया, मेरी ननंद आई हुई है, इसलिए मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी। आप फिर भी एक बार कोशिश करना। ये कहकर दुर्गा कॉल कट कर देती है। एक बेटी और बहू की रक्षाबंधन में माँ जी इतना फर्क कैसे कर सकती है? रक्षाबंधन क्या सिर्फ मेरी ननंद के लिए है, मेरे लिए नहीं? अपने मायके न जाने पर दुर्गा काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन कमलावती का स्वभाव अपनी बेटी के लिए नहीं बदलता। ऐसे ही समय गुजरता है और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। अरे भाभी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, इतने सारे पकवान रह गए हैं अभी बनने को, थोड़ी देर में राखी बांधने का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। रागिनी, तुम थोड़ी सी मदद कर दो मेरी, अकेले मैं इतना सब कुछ कैसे करूंगी? भाभी, आप में शराबी शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? भला रक्षाबंधन के दिन अपने ननंद से कोई भाभी काम करवाती है? मुझे तैयार होने जाना है, मैं जा रही हूँ, मेरे आने तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए। रक्षाबंधन के लिए वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, वहीं बेचारी दुर्गा किचन में खड़ी होकर रक्षाबंधन के ढेर सारे पकवान बना रही होती है। थोड़ी देर में रक्षाबंधन का मुहूर्त शुरू हो जाता है। रागिनी जैसे ही अपने भाई नीरज को राखी बांधने के लिए जाती है कि तभी रागिनी के साथ सुलेखा अपनी बहू के मायके आ जाती है। समधन जी, आप ऐसे यहाँ अचानक, आप बता देती तो मैं गाड़ी भिजवा देती। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो यहाँ बस आपकी बेटी से इतना पूछने के लिए आई थी कि इसे अपने ससुराल वापस आना है या नहीं। सुलेखा जी, लेकिन आपने ही तो मेरी बेटी को रक्षाबंधन के लिए मायके भेजा था। रागिनी बेटा, सुलेखा जी क्या कह रही हैं? क्या कहा आपने? मैंने इसे भेजा था? आपकी बेटी तो एक नंबर की झूठी निकली। मैंने इसे भेजा नहीं, बल्कि जब मैंने इसे कहा कि तुम्हारी ननंद इस बार रक्षाबंधन पर अपने मायके आ रही है, तो ये मुझसे लड़के अपने मायके आ गई। बोल रागिनी, अब क्यों चुप है? उस दिन तो बड़ा जुबान लड़ा रही थी मेरे से। मेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। बहन जी, आपकी बेटी सुंदर तो बहुत है, लेकिन उसके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आज ये अपने ससुराल नहीं आई तो दोबारा आने की जरूरत नहीं है। अपनी सास की बात सुन रागिनी काफी डर जाती है और जल्दी से अपने भाई को राखी बांध सारा सामान पैक करके वापस अपने ससुराल चली जाती है, जिसे देख नीरज। देखा माँ, बेटी और बहू में फर्क करने का नतीजा। जिस बहू ने आपके एक कहने पर अपनी मायके जाने की जिद छोड़ दी, हमेशा आपकी हर बात को माना, आपने उसी बहू के साथ ऐसा किया। तू सही कह रहा है बेटा, मैं बार बार अपनी बहू को अपनी बेटी का ताना देती रही, लेकिन असल में तो मेरी बहू ही सबसे संस्कारी बहू है। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुझे रक्षाबंधन पर घर जाने से रोका और तुझ में और अपनी बेटी में इतना फर्क किया। जा नीरज, जल्दी से तू बहू को उसके मायके छोड़ा। आप सच कह रही हैं? मैं मायके जा सकती हूँ? इसका मतलब मैं इस साल भी अपने भाई को राखी बांध सकूंगी। दुर्गा जल्दी से तैयार होती है और अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है, जिसके बाद दुर्गा अपने भाई के साथ हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। वहीं कमलावती को भी एक अच्छी सीख मिल जाती है, जिसके बाद अब कमलावती अपनी बेटी और बहू में कभी भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं करती।